अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष, विचारक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और पत्रकार तथा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रारंभिक जीवन काफी कष्टों में बीता। 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रवान में जन्मे दीनदयाल जब 2.5 वर्ष के थे तभी रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर उनके पिता का देहांत हो गया। 7 वर्ष की आयु पूरी होते ही उनकी माँ भी चल बसी तो उनका लालन पालन राजस्थान में उनके नाना के घर पर हुआ। बाल्यकाल से ही मेधावी दीनदयाल ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया और इंटरमीडिएट करने के बाद वे कानपुर के VSSD कॉलेज में पढ़ने आ गए। 1939 में प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन किया। यहाँ पर पढ़ते हुए ही उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। संघ नेतृत्व की प्रेरणा से उन्होंने 1947 में लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन की नींव रखी और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन शुरू हो गया। बाद में यहीं से पांचजन्य साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ जो अब दिल्ली से प्रकाशित होता है। पंडित जी इन प्रकाशनों में कभी भी संपादक नहीं रहे किंतु वे यहाँ के सभी कार्यों से जुड़े रहे। साहित्यकार और लेखक होने के नाते भी उन्होंने युवाओं के लिए 1946 में रात भर जगकर चाणक्य और चंद्रगुप्त पर केंद्रित सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से उपन्यास लिख डाला। युवाओं के बीच इस उपन्यास की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य के नाम से दूसरा उपन्यास लिखा। वे स्वाध्याय पर बहुत जोर देते थे और कहते थे पठन पाठन और चिंतन मनन के सहारे ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है। वे संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनकर कार्य कर रहे थे। 21 अक्टूबर 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और 1952 में कानपुर में पहला अधिवेशन हुआ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महामंत्री बनाया गया। बस यहीं से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। उनकी कार्य क्षमता, नेतृत्वशीलता, परिश्रम और परिपूर्णता आदि गुणों से प्रभावित होकर ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने कहा था मुझे ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो देश का राजनीतिक नक्शा ही बदल दूं। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद की आकस्मिक मृत्यु से पंडित जी और उनके साथियों पर संगठन की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। 1965 में विजयवाड़ा में हुए जनसंघ के अधिवेशन में पंडित दीनदयाल ने एकात्म मानववाद के आधार पर ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का विकास हो और एक ऐसा मानव धर्म उत्पन्न हो जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो, जो एक सुदृढ़ संपन्न एवं जागरूक राष्ट्र कहलाए। उनका मानना था कि व्यक्ति का अर्थ सिर्फ उसका शरीर नहीं है बल्कि उसका मन, बुद्धि और आत्मा भी है। यदि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा की जाए तो व्यक्ति का सुख विकलांग हो जाएगा। अपने राजनीतिक जीवन में वे सिर्फ एक बार चुनाव लड़े और वह भी हार गए। दरअसल जौनपुर सीट से 1962 के चुनाव में
जनसंघ के ब्रह्मजीत जीते, किंतु उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद वहां से पंडित जी को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इस हार को उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी में लिखा, जनसंघ को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह नहीं कि जनता का सपोर्ट नहीं था, बल्कि हम कांग्रेस के तमाम चुनावी हथकंडों का जवाब नहीं दे पाए। 16 वर्षों तक महामंत्री रहने के बाद 29 दिसंबर 1967 को कालीकट के अधिवेशन में उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। कितनी विडंबना देखिए कि मात्र 44 दिनों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। दरअसल 11 फरवरी 1968 को दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक में उन्हें भाग लेना था और 10 फरवरी को लखनऊ प्रवास के दौरान उन्हें फोन पर पटना में 11 फरवरी को होने वाली बिहार प्रांत की कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने का निमंत्रण मिला। केंद्रीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद उन्होंने पटना जाने का निर्णय किया। वे 10 फरवरी को लखनऊ से शाम को ट्रेन में सवार हुए, किंतु अगले दिन मुगल सराय स्टेशन के समीप उनका मृत शरीर मिला। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।